चांदपुर में चोर अपनी कार्यशैली से पुलिस को बोना साबित करने में लगे हैं तथा पुलिस नगर में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम है। बीती रात चोरों ने एक बंद पड़े मकान को अपना निशाना बनाकर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। पुलिस को तहरीर देते हुए नगर की दया विहार कॉलोनी निवासी आलोक कुमार पुत्र भगवान दास ने कहा कि पीड़ित शिक्षा विभाग में कार्यरत है और दया विहार कॉलोनी में अपने निजी मकान में परिवार सहित रहता है। उसकी माता की तबीयत खराब होने के कारण वह गुरुवार की शाम परिवार सहित अपने पैतृक घर धामपुर गया था, जिसका लाभ चोरों ने उठाते हुए रात्रि किसी समय घर के ताले को तोड़कर एलईडी टीवी, मिक्सर, गैस सिलेंडर, इन्वर्टर, बैटरी, सोने के बेशकीमती जेवर, 7 चांदी के सिक्कों सहित 40,000 रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के सामान की चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित ने स्थानीय कोतवाली में तहरीर देते हुए पुलिस से अपने चोरी किए गए सामान की बरामदगी की गुहार लगाई है। मालूम हो कि जैसे जैसे सर्दी से पारा गिरता जा रहा है, वैसे वैसे नगर में चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस चोरियों का खुलासा तो दूर, रिपोर्ट दर्ज करना भी गवारा नहीं करती। पीएलएल न्यूज के लिए चांदपुर से तारिक शेख की रिपोर्ट। सोने चांदी चीज बहुत भगवान जी के तक के पैसे रह गए हैं जो शर्म नहीं साहब। हां उसमें तक रहते हैं ना हमारे। मेरा नाम आलोक कुमार, मैं बिहार कॉलोनी से। मेरे घर में रात में चोरी हो गई है, जिसमें काफ़ी सारा सामान चला गया है। क्या क्या सामान गया आपका? सामान में गैस सिलेंडर था, मिक्सर थी, 5 चीज थी सोने की, कुछ जब वो 30-40 हज़ार के आसपास पैसा था और वो था चांदी के सिक्के थे, इन्वर्टर, बैटरा, सैमसंग की LED भी और जो सर मिक्सर, कुछ कपड़े लेते जो चोरी हो गए रात। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को मैंने अभी सूचना दी है, जैसे मुझे आज पता चला। मैं रात घर पर नहीं था, रात मैं इसलिए अपने मकान से चला गया था, घर तो कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। मैं अपने घर से चला गया, मेरी मम्मी की स्वास्थ्य इस समय खराब चल रहा है। 5 बजे के बाद मैं जब घर निकल गया सुबह 4 बजे आज दिन में, मेरे बाद पड़ोसी के त्यागी जो है उन्होंने फ़ोन किया कि आपका ताला टूटा हुआ है और तुम्हारे घर में शायद चोरी हो गई है, आप आके देख लो। लगभग कितने रुपये की चोरी हुई सारी मिलाकर? लगभग होगी 2.5-3 लाख के आसपास। ठीक,